पिछले हफ्ते जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल को देखते हुए यूपी का पुलिस प्रशासन आज पूरी तरह चौकस है। प्रदेश के सभी जिलों में मस्जिदों के आसपास पुलिस बलों की चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस के सीनियर अधिकारी खुद सड़कों पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, साथ ही पीस कमेटियों के साथ वार्ता कर हालात को शांत बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के फिरोजाबाद में आज होने वाली जुमे की नमाज पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने खुद आईजी जोन नचिकेता झा सड़कों पर उतरे। उन्होंने शहर के नालबंद चौराहे से लेकर सुभाष तिराहे तक भारी फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया, साथ ही सख्त चेतावनी जारी की कि जिसने भी कानून हाथ में लेने की कोशिश की उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद जिले में पुलिस ने जवानों के साथ ही बुलडोजर लेकर शहर में मार्च किया। पुलिस के मुताबिक उन दंगाइयों के लिए चेतावनी थी कि अगर उन्होंने हिंसा की तो उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन हो सकता है। उधर यूपी पुलिस ने भी जुमे के पहले दंगाइयों को चेतावनी जारी की है। पुलिस ने कहा कि जुमे की नमाज के बाद अगर कहीं पर हिंसा की गई तो आरोपियों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसे आरोपियों पर केस दर्ज होने के साथ ही उन पर हर्जाना और अवैध संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस ने सभी लोगों से अपील की कि वे शांति बनाए रखें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।